माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? वेलकम टू अवर चैनल टेल इंस्टीट्यूट बाय मार्कम कंप्यूटर्स एंड आई एम मार्कम नंबर सिद्दीकी। आज गाइस हम ये करने जा रहे हैं कि विंडोज की जो यूएसबी है उसको बूटेबल कैसे बनाते हैं, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जितनी चाहें। आपने अब तक ये वाली वीडियो तो देखी होंगी कि आप किसी भी एक यूएसबी को एक ही विंडो के लिए बूटेबल बनाते हैं, मगर मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आप मल्टीपल विंडोज एक ही यूएसबी में बना सकते हैं। आओ कैसे, चलें देखते हैं। सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी अगर यूएसबी की, यूएसबी आपके पास अगर आप सिंगल विंडो बना रहे हो तो मिनिमम आपके पास 4 GB और मैक्सिमम आपके पास 8 GB होनी चाहिए ताकि आप उसको नॉर्मली भी यूज़ कर सकें। दूसरी, आपके पास जो ISO फाइल्स होती हैं उनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। ISO फाइल्स क्या होती हैं, जिस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने मुख्तलिफ सीडीज से इनकी ISO इमेज फाइल बनाई हुई है, जिससे मुझे बार बार CD यूज़ करनी नहीं पड़ेगी, और मैं उसके इमेज के ज़रिए जो है अपने पास जिस तरह CD से हम यूज़ करते हैं फाइल्स को, वैसे उसको कर सकते हैं। आप उसको कहीं पर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी माउंट कर सकते हैं और पॉलिशन कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ISO अल्ट्रा ISO सॉफ्टवेयर, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगा। और टॉपिक्स बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें बनानी हैं, वीडियोज बनानी हैं, बट यहाँ पर वक्त हमारे पास बहुत कम है और चीज़ें बहुत मुख्तसर सी हैं। लॉकडाउन में तो जितनी चीज़ें अवेलेबल हुई हैं बहुत मुश्किल हो रहा है वीडियो बनाना, बट ये कि कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से भी आप तक तमाम चीज़ें पहुँच जाए। अच्छा, और आप इस सब चीज़ें सीख लें। अच्छा गाइस, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, ये देखें, आपके पास ये ISO फाइल्स आ गई हैं और आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपको अवेलेबल हैं, और इसके अंदर आपके पास जो जितने भी ऑप्शन होते हैं USB को पोर्टेबल बनाने के लिए टूल्स है, और ये सिंगल विंडो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आपको खैर यहाँ बताने जा रहा हूँ कि मल्टीपल आपने विंडोज पोर्टेबल कैसे बनाओ। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, विन सेटअप लेंगे। आप विन सेटअप में जाएंगे तो आपके पास ये सॉफ्टवेयर आपको इंशाल्लाह तमाम सॉफ्टवेयर आपको मिले, डोंट वरी, आप लोग डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिएगा, सारे जनरल होंगे, ओके होंगे, वायरस ISO इमेज फाइल जो है वो आपकी वायरस फ्री होनी चाहिए, और समझ लें कि बिल्कुल ओके होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो करप्टेड हो और आपको बाद में इश्यू बने, टाइम बहुत लगता है इसके अंदर। अच्छा, सबसे पहले आप ये देख लें कि आपकी जो USB है उसका ड्राइव बैटरी क्या है। मेक श्योर करें, कंप्यूटर में जाएँ, जो USB आपने लगाई है उसका ड्राइव बैटरी क्या है यहाँ पे H। ठीक है, जो मैंने USB लगाई और उसका नाम भी वॉल्यूम आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा मैंने एक्सटर्नल लगी हुई है, वर्चुअल ड्राइव बनी हुई है, मुख्तलिफ आर्टिस्ट के जो है ड्राइव आ रहे हैं। ये देखने का मकसद ये है कि अगर आप बेतिहानी में किसी और ड्राइव को सेलेक्ट कर लेते हो तो वो फॉर्मेट करने से आपका तमाम डेटा ज़ाया कर सकता है। जब आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो आप ऑटो फॉर्मेट से लगाएंगे, ठीक है, और NTFS पर क्लिक कर दें। दूसरी बात ये है कि अगर आप चाहते हैं कि XP विंडो आपके पास आ जाए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ टिक करना होगा, और आपके पास CD होनी चाहिए। CD या DVD जो भी आपके पास विंडो XP की है वो आपके पास CD-ROM में होनी चाहिए। वहाँ से ये फोल्डर उठाएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर आपके पास होनी चाहिए। देखें ये खाली है ना, इसके अंदर आपके पास जब CD होगी ऑटोमेटिकली इसके अंदर एक फोल्डर होता है I386 का, वो जैसे आप इसको उठाएंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपकी गो करने पर सिर्फ XP आपके पास आ जाएगी। अच्छा, अब हम Windows 7 बनाना चाहते हैं या दोनों को चाहते हैं तो दोनों पर टिक लगा के आप दोनों की फाइल्स को वो करेंगे। ये तो तरीका मैंने आपको बता दिया, इसका यही तरीका है, इसकी कोई ISO फाइल जो है नहीं उठाएगा। इस पर आ जाते हैं 7। अब यहाँ पर हमने क्या करा, ISO फाइल जो है इसका इमेज आपके पास होना चाहिए, उस जगह पे जाइए जहाँ पर आपके पास उसकी ISO फाइल, जैसे मैंने भी आपको दिखाया था कि मेरे पास जो सारी फाइल्स मैंने एक जगह पर सेव की हुई है, तो वो तमाम डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की विंडो पसंद है, 7, 8 या जो भी आप चाहें। तो तीनों विंडोज़ भी एक ही USB में ले सकते हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। पॉइंट तक देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई आइडिया कुछ आपको जो है बता रहा हूँ मैं और वो निकल जाए और आपको समझ में ना आए। मेरे साथ साथ रहिएगा, वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, सही से देखिएगा और उसके बाद इम्प्लीमेंट कीजिएगा। साथ साथ मत कीजिएगा क्योंकि कन्फ्यूजन बढ़ जाती है, क्योंकि ये कोई ऐसा काम नहीं है जो फ़ौरन से हो जाएगा, इसमें टाइम काफ़ी लगता है, तो इसलिए कोशिश करें पहले अच्छे से देख लें। मेरे पास यहाँ पे विंडो 7 का एक एरो ब्लू जो सॉफ्टवेयर है, मतलब इसके अंदर सॉरी विंडो है, वो मैंने यहाँ रखी है।
मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। मुझे ये विंडो पसंद है क्योंकि अपडेटेड है, इसके अंदर अच्छे खासे एनिमेशंस भी हैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी थीम्स भी हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने मेक श्योर कर लिया कि मेरी जो USB है वो सेलेक्ट हुई है, फोटो फॉर्मेट पे क्लिक किया हुआ है, NTFS क्लिक किया हुआ है। अब हम फर्स्ट टाइम, अगर मेरे पास इसकी CD होती तो मैं दोनों को एक साथ करके दिखाता आपको, पर फिलहाल आपके पास है तो आप ये ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है हमारे पास इस वक्त विंडोज 7 को बूटेबल बना रहे हैं। ये सॉफ्टवेयर बहुत ज़बरदस्त है गाइस, इसको आप यूज़ करेंगे तब मैं आपको बताऊँगा उसमें आगे कितने सारे फीचर्स हैं, वो भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। अच्छा, अब हम गो करने जा रहे हैं, क्योंकि जब विंडो आपने यहाँ किया तो ये कहेगा कि आप ये तमाम डेटा जो है आपका रेज होने वाला। फिर मैं आपसे कहूँगा स्टूडेंट्स कि आप देख लेना कि आपका ड्राइव लेटर क्या है, अदरवाइज ऐसा ना हो कि आपका दूसरी ड्राइव का काम जो है वो ज़ाया हो जाए। यस करेंगे, ये मुझसे कह रहा है कि कंफर्म कर रहे हैं, रिपीटेशन हो रही है, रिफॉर्मेटिंग हो रही है, तो हम इसको यस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है, मे बी ये 10 मिनट तो ले ही सकता है इसको बूटेबल बनाने में। अभी मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इसी USB को दूसरी विंडोज़ के लिए कैसे बूटेबल बनाते हैं। यानी कि मजे की बात ये है कि आपके पास एक USB होगी और उसके अंदर आप मुख्तलिफ विंडोज़ जो है वो किसी भी सिस्टम के अंदर कर सकते हैं, है ना, मज़े की चीज़। इसके बहुत ज़्यादा पैसे लोग चार्ज करते हैं और आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाया जा रहा है, तो ट्राई करें और जब तक ये काम हो रहा है आप देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई इश्यू है कॉमेंट्स करें, पसंद आता है तो लाइक करें, और आप चाहते हैं कि इस तरह की और भी वीडियोज़ आपको मिलें सीखने के लिए, लर्निंग स्टेज के लिए, तो फिर आप जो है उसको बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो गाइज, मार्कन कंप्यूटर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, तकरीबन 8 प्रोजेक्ट्स जो हैं इसके मौजूद हैं, जिसमें हमारा एक वेलफेयर ट्रस्ट का अदारा है। आप तमाम डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। एक इंस्टीट्यूशन है और बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, बहुत सारे कोर्सेज सिखाए जाते हैं। इस चैनल को स्टार्ट करने का मकसद यही था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझ तक नहीं पहुंच सकते या मैं टाइम नहीं निकाल पाता, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है, कामकाज और प्रोजेक्ट जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो इस वजह से एक प्लेटफॉर्म बनाया है, आप अपने तमाम इश्यूज वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर सीख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को जो है आप शेयर कर सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये स्टार्ट हो गया है कॉपी करना, इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और यहाँ पे फिनिश कॉपिंग लार्जिंग फाइल्स लिखा हुआ आ रहा है नीचे, आप देख सकते हो 2.95 GB 7.48 GB। ठीक है, ये आपको टारगेट दे रहा है कि इतना डेटा जो है या इतना इसके अंदर कॉपी होना शुरू हो जाएगा, और आपकी अभी तक जो शुरू में जो था वो सारा फॉर्मेटिंग का था, अब ये फाइल्स कॉपी करना शुरू करता है। इसमें टाइम लगेगा गाइस, तो मेरे साथ रहिएगा, मैं कोशिश करता हूँ कि आपका टाइम बचाऊँ और अपना भी। तो मैं इसको पॉज कर करके कोशिश कर रहा हूँ, जब भी हो जाए तो मैं आपको सिखाऊँ कि एंड में हो गया कैसे करना है, फिर कैसे यूज़ करेंगे इसको। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, उसकी वजह यह है कि अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया है कि आगे स्टेप क्या करना है। एक विंडो तो हो गई इसके अंदर, जब दूसरी विंडो डालेंगे तो क्या करना है, तीसरी डालेंगे तो क्या करना है, चौथी डालेंगे तो क्या करना है। अब आपके पास जितनी बड़ी USB होगी उतनी ज़्यादा विंडोज आप इसके अंदर इसको इंस्टॉल करवा सकते हैं, बूटेबल बना सकते हैं। फिर 32 GB के अंदर आप 5 विंडोज भी डाल सकते हैं। जब आप बनाते ही तो आपको खुद ही आपके स्पेस का अंदाज़ा होगा। फिर आपको एक फॉर्मूला और सीक्रेट और भी बताऊँगा कि बूटेबल USB के अंदर पर्सनल डेटा फिर बाद में कैसे डालना है, ये भी आप देखिएगा। तो मेरे साथ रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा कोई भी पॉइंट, मैं जो भी जिसमें टाइम लग रहा है बस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाली, ये पूरा डेटा जो है ना ये पूरा ही करेगा कब, और ये यहाँ से स्टार्ट हो गया है तो मैं आपको बताता हूँ जब ये कंप्लीट होता है तो हम एंड में पे इसको स्टार्ट करते हैं दोबारा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तकरीबन एंड पर पहुँच चुका है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, डेट्स वाई मैं कोशिश कर रही है कि आपका टाइम बचाया जाए और अपना भी। तो आप लोग इसको लगाने के बाद वेट करें और जब ये कंप्लीट हो जाएगा इसका टारगेट देखें 2.95 GB तक का, ठीक है। जब ये इसको कंप्लीट कर देगा तो फिर उसके बाद आपकी विंडो जो है वो रेडी हो जाएगी और यहाँ पर आपके ऊपर रेडी का यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा बकायदा।
2.79 हो गए, 2.80 देखिए यहाँ पर चल रहा है फंक्शन। कोई भी बात स्टूडेंट्स अगर नहीं समझ में आती है फ्रेंड्स तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इस चैनल को बनाने का मकसद सिर्फ लर्निंग है और ये कंप्लीट हो गया है, ज़्यादा शेयरिंग है जो आज तक सीखा है और जिस चीज़ का फ़ायदा कोशिश की जा रही है कि फ़ायदा आपको पहुँचाया जाए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, ये तमाम वो चीज़ें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से मुझे जो जो इश्यूज होते हैं ये जब हम काम करते हैं तो मैं वैसे वैसे इसको प्लान कर रहा हूँ और बहुत मुश्किल हो रहा है वीडियोस बनाना, फिर उसको एडिट करना, टाइम बहुत लगता है इसके अंदर। तो अभी थोड़ा बहुत टाइम हमारे पास है इसलिए इंशाल्लाह ये सफ़र कंटिन्यू रहेगा आप लोगों की मोहब्बत से और आप लोग भी लगन। देखिए ऑलमोस्ट इसको फिनिश कर रहा है, 2.95 GB हो चुका है, डेटा कॉपी हो चुका है, इसको ये फाइनलाइज कर रहा है। देखें अभी भी टाइम ले रहा है और आप सोच ही सकते हैं कि इसमें कितना टाइम लग रहा है और वीडियोस बनाना कितना मुश्किल हो रहा है। जो लोग इस यूट्यूब पे तमाम काम कर रहे हैं आज जाहिर हो रहा है कि कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। देखें ऐसे ऐसा आगे बढ़ते बढ़ते इम्प्रूवमेंट आएगी ज़्यादा इंशाल्लाह। और बस वही है कि जितनी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं मैं उन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उनको यूटिलाइज कर रहा हूँ। अगर मेरे पास कोई चीज़ नहीं है तो बस ऑल्टरनेट क्या निकाल रहा हूँ। तो ये सब इसी तरह से चल रहा है, मैं तो वीडियोस भी इस तरह से प्लान कर रहा हूँ कि मुझे किसी सिस्टम में अगर विंडो इंस्टॉल करनी है, मेरी USB ख़राब हो गई है तो मैं उसको कैसे ठीक करूँगा, अगर मेरे को विंडो इंस्टॉल करनी है तो वो मैं कैसे करूँगा। तो कोशिश मेरी यही है कि उसके साथ साथ वीडियोज बनाता जाऊँ ताकि आप लोगों को भी इसका फ़ायदा होता रहे और काम भी हो जाए आपका, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो स्क्रीन पर जॉब डन लिखा हुआ आ गया है, मैं इसको ओके कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने कहा था मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताने वाला हूँ। ये तो होगी एक विंडो, हमें दूसरी या जितनी विंडो भी मुझे डालनी है इसके अंदर जो टेबल बनानी है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा। अच्छा, मेरी मजबूरी ये है कि मेरी USB ख़राब हो गई है, मैंने किसी तरह से अरेंज की है और इसके अंदर कैपेसिटी जो है ना बस 4.41 GB ही है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर एक ही विंडो मजीद और करके आपको दिखा सकता हूँ और उसका मैं तरीका मैं आपको बताऊंगा और फिर इंशाल्लाह फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको कैसे जो है बूटेबल मैंने USB को इस्तेमाल किया है और फिर सेटअप किस तरह से आएंगे, ठीक है। सो दोबारा से देखें, दोबारा से सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, इसके बाद पहले मैं एक बार ज़रा देख लूँ कि मेरे पास कितनी कैपेसिटी है। 4.41 GB लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, अब मैंने विंडो 7 तो कर ली है, अब मैं इसके अंदर चाह रहा हूँ कि विंडो 8 भी आ जाए क्योंकि दोनों 7 तो डालना बेवकूफ़ी होगी ना। हाँ, उस सूरत में डाल सकते हैं कि आपके जिस तरह मैंने भी एक लाइट वर्जन डाला है इसका, तो आप कोई इसका दूसरा अपडेटेड वर्जन डाल सकते हो कि बहुत सारे सिस्टम होते हैं जिनके पास हार्ड डिस्क की कैपेसिटी कम होती है या इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पर मेरे पास देखें 7 ये तो XP है, XP तो मैं नहीं डाल सकता, तो मैं देखता हूँ कि ये खुद ही मुझे कैलकुलेट करके बताएगा कि आया ये काम कर सकता है कि नहीं। अच्छा जी, इसके अंदर मेरे पास ये ऑप्शन भी है, विंडो 8.1 भी है, सुपर ईलाइट एडिशन। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसी को डाल देता हूँ, ईलाइट एडिशन है, थोड़ा सा लाइट एडिशन होगा, देखते हैं कितनी कैपेसिटी ले रहा है, मैं इसकी खुद की कैपेसिटी चेक करूँ। 706 है तो बहुत कम, ठीक है, ये हो जाएगा। तो मैं इसी को ले रहा हूँ, ये विंडो 8 है, बहुत लाइट वर्जन होगा। यहाँ से इसने इसको सेटअप कर लिया है, ठीक है। अब ये गौर कीजिएगा कि मैंने यहाँ पे फॉर्मेट नहीं किया, यही ऑप्शन है इसके अंदर मेन बात कि मैंने फॉर्मेट नहीं किया। फॉर्मेट सिर्फ फर्स्ट टाइम में करना है क्योंकि अगर आपने फॉर्मेट किया तो जो पिछली विंडो है वो भी चली जाएगी, तो फिर ये तो आ जाएगी मगर वो पिछली चली जाएगी। तो आपने क्या करना है, आपने इसी में एडिशन करवाना है, ठीक है। इसी USB के अंदर सिलेक्शन वही रखी है आपने, यहाँ पर आपने एक और विंडो का ISO फाइल लिया और उसके बाद ये देखें मैं आपके सामने कर रहा हूँ, रोट किया। अब सवाल ये पैदा होता है ऑल इरेज वाला ऑप्शन तो आया नहीं, क्यों? क्योंकि हमने फॉर्मेट तो नहीं किया ना,
फॉर्मेट नहीं करना। इसी तरह से जितनी आपकी कैपेसिटी है ना विंडोज यूएसबी के अंदर, उतनी विंडोज आप डाल सकते हो, जितने आईएसए में जहाँ पर 7 डाल दिया, 8 डाल दिया, 10 डाल दिया, 8 के दो वर्जन डाल दिए। और इस तरह से इनके अंदर लिनक्स के प्रोग्राम भी आप डाल सकते हो, और इसके अलावा आपके पास कोई दूसरे ऑप्शन हैं जैसे कि UBCD 4, ये विन, ये सब चीज़ें अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर इन तमाम ऑप्शन का इस्तेमाल करके भी उसको भी अपने पास यूएसबी में बुटेबल की जगह बना सकते हो। अच्छा, ये कह रहा है कि सिमिलर उसको वर्जन मिला है अंदर, और वो कह रहा है कि अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो हम उसको ऑटो एक्सेप्ट कर देंगे, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, नहीं करता, चलें ओके कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो मैंने अभी जो एरो ब्लू विंडो डाली है तो उन दोनों में जो है उसको एक चीज़ सिमिलर मिल गई अंदर, उसकी वजह से ये ऑप्शन आया था। बाकी प्रोसेस वही है जो मैंने आपको बताया था, बस लेट्स सी कि अब आगे इसके ऊपर सॉल्यूशन स्टार्ट हो रही है। फॉर्मेटिंग नहीं करेगा तो उसके टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, प्लस मेरे पास ये फाइल है ये बहुत कम उसकी है कैपेसिटी की, तो मे भी ये जल्दी हो जाएगा। डिपेंड करता है आपकी यूएसबी की स्पीड पर भी और आपके कंप्यूटर की स्पीड पर भी, ठीक है। तो जब ये हो जाएगा फिर हम मैं देखते हैं। तो गाइस जॉब डन, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि दूसरी विंडो भी इसके अंदर हो चुकी है इम्पोर्ट। मैं आपको दोबारा दिखा दूँ कि मेरे पास अभी भी इस वक्त जगह काफ़ी है, 3.62 है, तो मेरे पास भी ऐसी विंडो का इमेज यहाँ मौजूद है जो कि हो सकता है इस पर एक और विंडो में डाल सकूँ। बट ये कि आप जो मेन चीज़ है वो समझें, आप इसके अंदर जितनी भी विंडोज आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, जितने भी आईएसए में जहाँ मुख्तलि विंडोज जो है वो डालना चाह रहे हैं वो आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि देखो टेबल बन चुकी है, ये इसके अंदर बूट ऑर्डर भी आ चुका है, और इसके अंदर मैं आपको दोनों की चीज़ें भी दिखा देता हूँ। ये देखो इसकी इमेज बन चुकी है, NT63 NT63 1, ये रहा ये विंडो 7 एरो ब्लू, और ये रहा मेरा विंडो 8 सुपर लाइट, ठीक है। तो ये आपके सामने आ गया, ये तो हो गया कि हमें ये बात समझ में आ गई कि हम एक ही यूएसबी को मल्टीपल विंडोज़ के लिए बुटेबल बनाने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज आपको पता चल गया। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें पार्टीशन मैनेजर, उस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, आप उसके अंदर भी उसको ऐड कर सकते हो, यानी कि इसमें लिमिट नहीं है कोई, आपकी यूएसबी पर डिपेंड करता है। आप एक्सटर्नल ड्राइव यूज़ करो, 100-100 GB 250-250 GB की जो आपके पास मौजूद हैं एक्स्ट्रा, आप उनको यूज़ करो, एक बार बना लो, उसी के अंदर काम करते रहो। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आपको तीसरी विंडो डालनी है तो देखें तरीका वही है, फॉर्मेट नहीं करना है, ये प्रोसेस बार बार करते जाएं आप। अब मेरे पास यहाँ पर हो तो जाएगी, मगर मैं एक्चुअली करना नहीं चाह रहा क्योंकि ये बिल्कुल फुल हो जाएगी, मुझे अभी और भी इसके अंदर कुछ काम करना है। ये देखें यहाँ पर 7 था, ये विंडो 10, इसको मैं अगर ओपन करता हूँ यहाँ पर तो ये कैलकुलेट कर लेगा कि क्या ये हो। देखें आपके पास ऑप्शन आ गया कि देयर इज नो इनफ स्पेस ऑन टारगेट टेक्स्ट टू ऐड द करंट सिलेक्शन, ठीक है, तो मैं इधर नहीं करूँगा। अच्छा, अब मजे की बात ये है कि आप अब इसको नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब जारी बात है अभी फॉर्मेट तो नहीं होगी, आप इसको रीनेम कर लो, जो भी करना है आप कर लो, राइट क्लिक करो, उसको रीनेम करो, जो भी नाम आपको एक्सरसाइज देना है आप दे सकते हो। इसके अलावा आप कोई भी प्रोग्राम इसके अंदर यूज़ कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप देखो मेरे पास समझ नहीं है प्रोग्राम है, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, अलग से कोई प्रोग्राम आप इसके अंदर डाल सकते हो, जितनी भी कैपेसिटी आपके पास है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। बट श्योर कि आपको किसी ऐसे सिस्टम में नहीं लगाना है जहाँ पर वायरस हो, वरना अगर ये वायरस से इन्फेक्ट होगी तो फिर ये आपकी यूएसबी बनाना बेकार हो गया, क्योंकि वो उसके अंदर वायरस आ जाएगा, तो फिर वो जब भी विंडो इंस्टॉल होगी तो वो वायरस के साथ होगी, तो फिर एंटीवायरस डालने का भी कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। और याद रखिएगा एक टिप है आपके लिए, सबके लिए, कि जब भी विंडो इंस्टॉल करनी है तो विंडो इंस्टॉल करने से पहले आप ये ज़रूर तस्दीक कर लें कि जो विंडो आप इंस्टॉल कर रहे हो उससे वायरस है वो नहीं है, क्योंकि वायरस आने के बाद एंटीवायरस डालने का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो जब भी विंडो इंस्टॉल करनी है तो हमेशा सबसे पहला काम उसके अंदर एंटीवायरस इंस्टॉल करना, ठीक है गाइस। तो इसके अंदर हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा काम जो भी था हमने सीख लिया है। आई होप तो आपको समझ में आया होगा, अंडरस्टैंड किया आप लोगों ने। मुझे अब इजाज़त दें, काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो, और मैं इसको लास्ट में आपको ये भी दिखा दूंगा कि मैं इसको जो पोर्टेबल मैंने आपको बनाया है, क्योंकि इसको स्क्रीन रिकॉर्डर के ज़रिए तो मैं नहीं दिखा सकता, मैं आपको नॉर्मली कैमरे से जो है रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ कि ये वर्क कर रही है,
ताकि आपको सबको ऐलान हो जाए कि आपने भी इतना टाइम दिया। तो शुक्रिया आप लोगों के वीडियो देखने का। किसी तरह से खुश रहें, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आपके वालदेन का साया आप सलामत रखे। मेरे लिए, मेरे वालदेन के लिए दुआ करें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।